एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का जो ब्लॉग है वो मैं बनाऊंगी हिंदी में। सबको नमस्कार एंड गुड मॉर्निंग। तो आपको मैं बता दूं कि जैसे कि आपको पता है कि मैं सडनली अभी मैं धर्मशाला में आई हूँ। वो मैं किस लिए आई हूँ, तो उसकी वजह ये है कि मेरी ग्रैंड मदर है, उनके नी में बहुत पेन हो रहा है, उनको आई गेस जॉइंट पेन हो रहा है, लाइक जैसे कि गठिया बोलते हैं हिंदी में ना, गठिया हो रहा है, और हमारे टिबेटन में उसको ठुम्बू बोलते हैं ना, तो उनको वो दर्द हो रहा था। तो ऐसे में मेरी मासी ने एक हॉस्पिटल रेकमेंड किया है, जो उनके जान पहचान के एक आंटी है, वो भी बहुत 80-90 साल की होगी, उन्होंने भी दिखाया है। तो वो है पालमपुर साइड में है, उस हॉस्पिटल का नाम है इंस्टीट्यूट शायद स्वामी विवेकानंद इंस्टीट्यूट है, और वो गठिया के लिए बहुत अच्छा बता रहा है। तो मैं आज अपनी नानी को लेके जा रही हूँ, और मेरी मासी वगैरह रिलेटिव वगैरह भी वहाँ से आएगी, तो मैं नानी को लेके जा रही हूँ, क्योंकि उनसे बिल्कुल भी चला नहीं जा रहा, जैसे आप देख सकते हैं। देखिए, तो मैंने ये व्लॉग इसलिए बनाया है, अगर मेरे नानी का नींव सच में अच्छा होता है तो फिर मेरे लिए तो वो मेडिकल के बराबर ही होगा। अच्छा होता है तो मैं आपको अपडेट देती रहूँगी, क्योंकि मैं जानती हूँ कि इंडियन में भी, टिबेटन्स में भी कितने हैं जिनको गठिया का दिक्कत होता है। अगर अच्छा हुआ तो मैं आपको अपडेट देती रहूँगी, तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगी कि कैसा। मेरे साथ बने रहिए, बस थोड़ी देर बाद हम लोग निकलने वाले हैं। तो नानी को गाड़ी में बिठा दिया है, मैं अपने भाई के साथ आ रही हूँ, बाइक में जा रही हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ा प्रॉब्लम होता है वॉमिटिंग का बचपन से, तो इससे मैं आ रही हूँ अपने भाई के साथ गाड़ी में। तो भाई पीछे रह गया है, मैं वेट कर रही हूँ उसका। तो मैं आपको अपडेट देती जाऊँगी कि हॉस्पिटल कैसा है, उनकी सर्विस कैसी है, और मेरी नानी का घुटने में क्या है। आई गेस अभी जाते वहाँ पे आते ही तो ऐसा सर्जरी का ऑप्शन नहीं देंगे, आई थिंक वो लोग शायद टेस्ट वेस्ट करेंगे, तो इसके बाद पता चलेगा। तो फिर मैं आपको अपडेट देती रहूँगी। ओके, मैं हो गई हूँ तैयार, ये इसलिए कि मुझे टैनिंग ना हो। भाई भी आ गया बाइक लेके, तो मैं निकलने के लिए हूँ तैयार। ओ, इसको क्या हो गया, छे लसो आमा। तो अब ये आया धर्मशाला का मॉल, पीवीआर गोल सब है यहाँ। ये आया धर्मशाला का मॉल, जहाँ पे आप मूवी वगैरह देख सकते हैं। मम्मी लोग गाड़ी पीछे रह गया ना, तो इसलिए हम लोग अभी यहाँ पे वेट कर रहे हैं। ब्रेक के लिए रुकी, क्योंकि मम्मी लोग पीछे रह गए हैं, तो हम लोग यहाँ पे अभी चाय के लिए रुके हैं। चाय के लिए नहीं, मोजिटो के लिए। ये है हम हिमाचल का लोकल मोजिटो है ना अंकल। अंकल बनाएंगे क्या डालोगे अंकल? पुदीना, पुदीना कंचा, पुदीना, और ये कंचा जो हमारे मिलता है देहरादून में, लेकिन यहाँ का फिर टेस्ट कुछ अलग होता है हिमाचल का। और प्रोडक्ट है भाई रवि, और भाई क्या चाहिए? ग्रीन टी, हिमाचल का ग्रीन टी, लेमन टी, ग्रास ग्रीन, स्लिमिंग टी, और बताओ भाई जिसको पतला करना है, तो स्लिमिंग टी, लेमन ग्रीन टी, एक एक डाल नींबू आधा, एक एक डाल दो अंकल, अंदर गर्मी बहुत है, रस होगा तो चलेगा, सूखने से कोई बात नहीं। ये कहाँ मिलते हैं भाई, ऐसा नहीं मिलता है देहरादून में भाई।
सिटी में ऐसा नहीं मिलता है, ऐसा मिलता है गांव में। चल गांव पी के बता कैसा है, गांव पी के बता। थैंक यू अंकल, कैसा है? वाओ वाओ बताऊंगा अंकल, पहली बार है हाँ। मजा आ गया इसमें जो वो है ना पुदीना का पंच है ना, वाओ जंगले रास्ता तो वहाँ बाया प्रोवर जा। इस पुदीने के जूस के साथ व्यू देखो, व्यू तो दिखाओ इनको। अंकल वो धर्मशाला है कौन सा? ओ धर्मशाला, ओ धर्मशाला, ये है धर्मशाला जिसको हम अभी छोड़ के आए हैं ना। मुंह के छाले के लिए कुछ बताओ ना, पता है आपको क्या करना है? मुंह के छालों के लिए ना अंकल ने एक देसी इलाज दिया है मुझे। अंकल ये पत्ते को क्या बोलते हैं? इसको बड़ा बोलते हैं। बड़ा बड़ा इसको बड़ा बोलते हैं कहते हैं यहाँ हिमाचल में। मेरे मुंह के छाले के लिए अंकल से मैंने एक घरेलू उपचार पूछा तो अंकल ने मुझे बोला इसको अच्छे से धो के मुँह में डाल लेना और चबा लेना, है ना, घाव हुआ में लगेगा तो फिर अच्छा हो जाएगा बोला अंकल ने। ये देखो अब अंकल पैकिंग कर रहे हैं मेरे लिए, पैकिंग हो रहा है। मेरा जड़ी बूटी मिल गया मुझे भाई, ऐसा मिलेगा बताओ भाई सिटी में जड़ी बूटी मिल गया। देखते हैं, मेरे को तकलीफ हो रहा है ना मुँह में पूरा छाला निकले उसके लिए। लेट्स सी क्या ये अच्छा ना अंकल ने क्या दिया है। ये लो अंकल, मैं धो लेगा अंकल, आप मेरे को बस थैली में डाल दो। अभी नहीं डालेगा वो अंकल, अभी नहीं, मेरे घर में आके है ना। आप डाल छोड़ो रास्ते में, इसमें क्या बेहोश। ये क्या लिखा है अंकल आपने? ये इसका नाम लिखा है हिंदी में। अच्छा अच्छा अच्छा, अब अंकल मेरे को धो के दे रहे हैं। अंकल बोल रहे हैं मुँह में अभी चबाओ। अब अंकल ने बोला मुझे ये चबाओ, थोड़ा सा जलन होगा लेकिन सहना पड़ेगा। मैं देखो होंठ पूरा सूजा हुआ है। थैंक यू अंकल, जाएगा ठीक है, आते थे मैं फिर आपके पास आऊंगी। बारिश होने वाली है ना, हो रहा है भाई बारिश, करते हैं। हाँ अंकल पक्का, ओके अंकल जी, हाँ जी पक्का अंकल, थैंक यू। हॉस्पिटल पहुंच चुके हैं, पहले होगा यहाँ पे नानी का पैरों का एक्सरे, फिर उसके बाद डॉक्टर को दिखाऊंगी, फिर देखती हूँ कि डॉक्टर क्या सजेस्ट करते हैं, मेडिसिन या ऑपरेशन। तो अभी हम लोग यहाँ पे लंच के लिए बैठे हैं क्योंकि नानी के कुछ चेकअप्स दिए थे, शुगर बीपी एक्सरे वगैरह बहुत चीज़ें दिए थे, ईसीजी वगैरह, तो उस रिपोर्ट का वेट कर रहे हैं, तो फिर उसके बाद देखते हैं कि डॉक्टर क्या कहते हैं। तो गाइस मैं अभी रूम में आ चुकी हूँ, फ्रेश होकर नहा कर अभी बैठी हूँ, तो इस वजह से थोड़ा सा आँख लाल हो गया है मेरा। नानी के सारे चेकअप्स वगैरह हो चुके हैं, डॉक्टर से बात हो चुकी है, फिर डॉक्टर ने बताया है ईसीजी करवाया, इनका बीपी देखा, ईसीजी ब्लड प्रेशर बीपी वगैरह सब देखा है,
तो फिर बाकी सब नॉर्मल है। तो फिर इनका अब ऑपरेशन है, ऑपरेशन का डेट दिया उन्होंने परसों का, तो बस तो आज बैठे हैं, परसों का डेट दिया है। तो फिर नानी एडमिट हो चुकी है, तो फिर बस परसों तक का वेट करना है।